भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल होने जा रहा है और इस वक्त ABP न्यूज कोची में मौजूद है, जहां पर इस INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर की कमिशनिंग सेरेमनी यानी कि समारोह शुरू हो चुका है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। जो सामने दिखाई दे रहा है, कैमरामैन मनोज दिखाएंगे, ये दरअसल INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसके ऊपर हम लोग देख रहे हैं फाइटर जेट्स हैं। MiG-29 के फाइटर जेट है जिसमें जो मिसाइल्स भी लगी हुई हैं, साथ ही कामोव हेलीकॉप्टर और ALH हेलीकॉप्टर। दरअसल जो युद्धपोत होते हैं उनकी जो ताकत होती है वो मिसाइल होती है और या फिर दूसरी गन्स होती है, लेकिन जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है उसकी जो ताकत होती है जिसके लिए वो जाना जाता है, वो दरअसल एक चलता फिरता जो है एक फ्लाइंग डेक होता है, एक रनवे होता है जिस पर ये फाइटर जेट्स खड़े होते हैं, इस पर तैनात रहते हैं, हेलीकॉप्टर्स तैनात रहते हैं। और इसीलिए जो ये एयरक्राफ्ट कैरियर था, ये भारतीय नौसेना को इसकी ज़रूरत थी, स्वदेशी एयरक्राफ्ट है। भारत के पास पहले से ही INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि भारत ने रूस से लिया था वर्ष 2013 में, लेकिन ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये भारत ने खुद तैयार किया है। कोची में कोचीन शिपयार्ड ने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को तैयार किया है। अब वर्ष 2009 में इसकी कील लेइंग सेरेमनी हुई थी, 2013 में इसकी लॉन्चिंग हुई समुद्र में, और अब जाकर ये बनकर तैयार हुआ है। यानी कि करीब करीब 13 साल इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनने में लगे, और अब इसके ऊपर जो अभी दिखाई दे रहा है कि एक फाइटर जेट हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पर ऐसे 30 जो फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर तैनात होंगे, जिसमें 20 जो होंगे फाइटर जेट यानी कि लड़ाकू विमान और 10 जो होंगे हेलीकॉप्टर्स होंगे। MiG-29 के जो भारत ने रूस से लिए हुए फाइटर जेट्स हैं वो इस पर तैनात होंगे। इसके अलावा कामोव हेलीकॉप्टर हैं। भारतीय नौसेना को हाल ही में 3 जो थे रोमियो हेलीकॉप्टर मिले हैं जो कि ASW और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए यानी कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए हैं, वो तीनों भी इस पर ही तैनात किए जाएंगे। तो अब से कुछ देर में खुद प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और यहाँ पर उसकी कमिशनिंग करेंगे। और आज ये जो समारोह है इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि भारतीय नौसेना को अपना खुद का जो निशान है, जो इंसिग्निया है, वो भी मिलने जा रहा है, क्योंकि ये जो इंसिग्निया अभी भारतीय नौसेना का है ये ब्रिटिश काल से चलता आ रहा था, और अब जो बनेगा, जो कहा गया है कि वो भारत की जो मैरीटाइम हिस्ट्री और ट्रेडिशन है उससे मिला जुला जो होगा वो निशान जो है यानी कि इंसिग्निया, वो भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है भारतीय नौसेना को सौंपने जा रहे हैं। कैमरामैन मनोज के साथ नीरज राजपूत, ABP न्यूज़, कोची।